जय जगन्नाथ दोस्तों। दोस्तों अगर आपकी वोटर आईडी कार्ड में नेम या डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलत है और आप नेम या डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना चाहते हो तो आपके लिए इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपना मोबाइल से घर बैठे बैठे अपना वोटर आईडी कार्ड में नेम या डेट ऑफ बर्थ को कैसे करेक्शन कर सकते। तो फ्रेंड्स वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करने के लिए पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा चैनल पे हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वोटर आईडी कार्ड में नेम डेट ऑफ बर्थ या फिर कुछ भी करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं मेरा प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया हूँ। देन इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह की पेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको वोटर रजिस्ट्रेशन की इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म नंबर 8 इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ अगर आप एक नया यूजर हो तो इस न्यू यूजर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी से एक पासवर्ड क्रिएट करके साइन अप कर लेना है। देन यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। देन यहाँ उस पासवर्ड को डाल देना है जो आप क्रिएट किया था। देन सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में एंटर करके लॉग इन नाउ की इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद फिर से हम इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे फिर से एक बार वोटर रजिस्ट्रेशन की इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म नंबर 8 इस ऑप्शन पे फिर से एक बार क्लिक कर लेना है। देन आपका सामने एक नया पेज आ चुका है, यहाँ पे लेट स्टार्ट की इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इतना करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आ चुका है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपके पास वोटर आईडी नंबर है या नहीं। अगर आपके पास वोटर आईडी नंबर है तो इस पहला ऑप्शन पे टिक कर देना है। अगर आपके पास वोटर आईडी नंबर नहीं है तो इस सेकंड वाला ऑप्शन नो पे टिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में अपना वोटर आईडी नंबर एंटर कर देना है। देन इस सेकंड बॉक्स में अपना स्टेट सिलेक्ट कर देना है। इतना करने के बाद अब इस फेस डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखोगे वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर योर एंटर वोटर आईडी। इसका मतलब आप जो वोटर आईडी नंबर एंटर किया है उसका रिकॉर्ड मिल चुका है। देन आपको यहाँ पे प्रोसीड की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपका सामने अपना वोटर आईडी कार्ड का पूरा डिटेल शो हो जाएगा, एक बार आपको चेक कर लेना है। देन नेक्स्ट की इस ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे अपना नेम पहले से फिल हुआ देखने को मिल जाएगा, इसके साथ अपना रीजनल लैंग्वेज में भी अपना नेम फिल हो चुका है। आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे आधार डिटेल्स की एक सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस बॉक्स में अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो इस बॉक्स में टिक कर देना है। देन इस मोबाइल नंबर की सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो इस बॉक्स में अपना रिलेटिव में किसी का भी मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। देन इस ईमेल आईडी की सेक्शन में अपना ईमेल आईडी एंटर कर देना है। देन नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्शन ऑफ एंट्रीज एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रल रोल इस ऑप्शन पे टिक कर देना है। देन नेक्स्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपका वोटर आईडी कार्ड में जो भी डिटेल्स करेक्शन हो सकता है ये सारा डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। आपको उस वाला ऑप्शन को टिक करना है जो आप अपना वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलेटिव टाइप, रिलेशन नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटो ये सारा ऑप्शन शो करेगा। इनमें से आपको जिस भी डिटेल्स को करेक्शन करना चाहते हो उस वाला ऑप्शन पे टिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे नेम एंड डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे नेम एंड डेट ऑफ बर्थ पे टिक कर देता हूँ। देन नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आप जो नेम चेंज करने वाले हो उस नेम को एंटर कर देना है। देन सरनेम की सेक्शन में अपना लास्ट नेम एंटर कर देना है।
देन आप जो नेम चेंज कर रहे हो इसके लिए आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए इस सेक्शन में क्लिक करना है। देन यहाँ पे कैमरा एंड गैलरी दो ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट को कैमरे का थ्रू कैप्चर करके अपलोड करना चाहते हो तो कैमरा वाला ऑप्शन को चूज करना है। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट को पहले से अपना गैलरी में सेव करके रखा है तो गैलरी का ऑप्शन चूज करके अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद डेट ऑफ बर्थ की इस सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपका सामने एक कैलेंडर शो हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है इस कैलेंडर की मदद से सिलेक्ट करना है। देन आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। तो यहाँ डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इस बॉक्स में क्लिक करना है। अब आपका सामने डेट ऑफ बर्थ के बहुत सारे डॉक्यूमेंट शो करेगा। यहाँ से हमारा पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। देन अपलोड की इस ऑप्शन पे क्लिक करके कैमरा या फिर गैलरी से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके हमारा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। इतना करने के बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपका सामने डिक्लेरेशन पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट के सेक्शन में पहले से हमारा जो नेम है फिल हो चुका है। यहाँ पे अपना जो नेम करेक्शन करना चाहते हो तो उस नेम को एंटर कर देना है। देन यहाँ प्लेस के सेक्शन में अपना सिटी या विलेज की नेम एंटर कर देना है। इतना करने के बाद डन के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हमारा सामने हमारा वोटर आईडी का पूरा डिटेल शो हो जाएगा, साथ ही जो करेक्शन किया है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और इस कन्फर्म ऑप्शन पे क्लिक करके कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करते ही हमारा सामने थैंक यू का एक पॉपअप मैसेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक रेफरेंस आईडी आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको इस आईडी को कहीं पर सेव करके रखना है। बाद में हमारा वोटर आईडी कार्ड करेक्शन की प्रोग्रेस स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं इस रेफरेंस आईडी की मदद से। अब हमारा वोटर आईडी में करेक्शन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब चलिए देखते हैं हमारा वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो अपना वोटर आईडी को ट्रैक करने के लिए आपको मेन मेनू में आ जाना है। यहाँ पे एक्सप्लोर की इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ अपना रेफरेंस आईडी एंटर कर देना है। यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। देन ट्रैक स्टेटस के इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपना वोटर आईडी कार्ड की प्रोग्रेस स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था वोटर आईडी कार्ड में नेम, डेट ऑफ बर्थ चेंज या करेक्शन करने के लिए एक आसान प्रोसेस। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करने का साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करने के लिए कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।